स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल में। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपको WhatsApp पर ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है, सॉरी दिस मीडिया फाइल डज नॉट एक्सिस्ट ऑन योर इंटरनल स्टोरेज। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इस प्रॉब्लम को किस तरीके से ठीक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जब भी आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है WhatsApp में, तो आप किसी भी वीडियो या फ़ोटो को ओपन कर रहे हैं तभी आपको ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है, सॉरी दिस मीडिया फाइल डज नॉट एक्सिस्ट ऑन योर इंटरनल स्टोरेज। अब दोस्तों जब किसी ने भी आपको WhatsApp पर उस वीडियो को या फिर फ़ोटो को सेंड किया है, तो वो आपके फ़ोन में डाउनलोड आपने की, उसके बाद डिलीट कर दी और WhatsApp से भी वो डिलीट हो गई, मतलब ना अब वो WhatsApp पर है और ना आप उसको अब अपने डिवाइस में देख सकते हैं, क्योंकि डिवाइस से भी डिलीट है। और जब भी आप WhatsApp में जाके उसको दोबारा से डाउनलोड कर रहे हैं या फिर उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं वीडियो या फ़ोटो को, तो आपको ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है, सॉरी दिस मीडिया फाइल डज नॉट एक्सिस्ट ऑन इंटरनल स्टोरेज। मतलब आप उस वीडियो को और फ़ोटो को अब किसी भी हालत में नहीं देख पाएंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस प्रॉब्लम को किस तरीके से फिक्स करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको वीडियो का तो 100% दावा नहीं करता, लेकिन फ़ोटो का 100% दावा कर सकता हूँ कि आप उस फ़ोटो को ज़रूर निकाल सकते हैं जिसमें ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। वीडियो का मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ उसे आप ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, वीडियो के लिए भी और फ़ोटो के लिए भी, ठीक है। तो अब इस प्रॉब्लम को किस तरीके से फिक्स करेंगे, अब ये फ़ोटो आपने डाउनलोड करी होगी पहले कभी, तो ही आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर पाएंगे। अगर आपने डाउनलोड ही नहीं की, तो देखो मैं आपको बता दूं, जब भी आप WhatsApp पर किसी वीडियो या फ़ोटो को देखते हैं तो वो ऑटोमेटिक सेव हो जाती है आपके मोबाइल में, ठीक है। और अगर ये ऑटोमेटिक सेव का ऑप्शन अगर ऑन नहीं होगा आपके WhatsApp में, तो नहीं होगी। वैसे ज़्यादातर बाई डिफ़ॉल्ट यही आता है कि जब भी आप किसी फ़ोटो या वीडियो को WhatsApp पर देखते हैं तो वो ऑटोमेटिक आपकी गैलरी में पहुँच जाती है, ठीक है। तो अब ये प्रॉब्लम आपको जिस वीडियो या फ़ोटो में देखने के लिए मिल रही है, वो आपको पता ही होगी कि वो वीडियो कौन सी थी, आपको याद तो होगा ही वो वीडियो और फ़ोटो कौन सी थी, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में चले जाना है और यहाँ पे आपको इमेज रिकवरी सर्च कर देना है, और ये वाला जो एप्लीकेशन है देख सकते हैं, ये वाला एप्लीकेशन है वो आपको इंस्टॉल करना है। ध्यान से देख लीजिए, यही वाला करना है, ठीक है। इस पे क्लिक कर देना है, इसे इंस्टॉल कर लेना है, ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लोडिंग होगा और यहाँ पर एड्स वगैरह आएंगे, इसको कट कर देना है। अब आपको यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो रिकवरी का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, ऑडियो रिकवरी का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, और सबसे ऊपर डिलीट फोटो रिकवरी का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन दोस्तों वीडियो का मैं आपको 100% श्योर नहीं बता सकता, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं। तो आपको डिलीट फोटो रिकवरी, यहाँ पर डिलीटेड फ़ोटो रिकवरी है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे टैप टू स्कैनिंग, इस पे मैं क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पे प्रीपेयरिंग होगी और स्कैनिंग चलेगी, तो यहाँ पे आपको कम से कम 3-4 मिनट का आपको टाइम दे देना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे अभी क्या करूँगा, वीडियो को कट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 3-4 मिनट का जो है वो वेट करना पड़ेगा, जो स्कैनिंग है वो हो रही है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा वेट कर लेना है, और आपको पता होगा कि आपके डिवाइस में कितनी फ़ोटो हैं, देख सकते हैं। अभी मेरे डिवाइस में बहुत कम फ़ोटो हैं, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं 3245 अभी रिकवर यहाँ पे प्रोसेसिंग में हो चुकी हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑल टाइम जितनी भी आपने फ़ोटो को, जितना भी फ़ोटो है वो डाउनलोड किए हैं या फिर आपके मोबाइल में कभी भी रही हैं, जितनी भी फ़ोटो हैं वो सभी यहाँ पर आपको दिख जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा आपको टाइम लगेगा, तो यहाँ पर मैं वीडियो को थोड़ा कट कर देता हूँ, फिर आपको बताऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पे 2-3 मिनट वेट करने के बाद यहाँ पे अब आप देखेंगे जितनी भी फ़ोटोज़ हैं वो यहाँ पे सभी निकल के आ गई हैं। यहाँ पे मैंने इनको ब्लर कर दिया है, और ये सभी जो फ़ोटो हैं वो यहाँ पे फोल्डर वाइज फ़ोल्डर हैं। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ऑल का एक फ़ोल्डर है, तो मैं ऑल पर जाऊँगा, सबसे ऊपर ही आपको ऑल का मिल जाएगा। तो जैसे ही मैं ऑल पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर एक ऐड आएगा, तो इस ऐड को कट कर देना है आपको। तो यहाँ पर मैं इस ऐड को कट कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने इस ऐड को कट कर दिया, और यहाँ पे देख सकते हैं जितनी भी टोटल फ़ोटो आई हैं वो सब आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। अब आप यहाँ पे ढूंढ सकते हैं कि आपने किस फ़ोटो को यहाँ पे पहले डाउनलोड किया था, और वह फ़ोटो जो है WhatsApp में अब नहीं दिख रही है, तो उस फ़ोटो को आप यहाँ पर देख सकते हैं और आप यहाँ से इसको रिकवर कर सकते हैं। आपको क्या करना है, बस उस फ़ोटो को सिलेक्ट करना है और नीचे रिकवर का ऑप्शन है, रिकवर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप रिकवर पर क्लिक करेंगे, आपकी गैलरी में वो पहुँच जाएगी, ठीक है। फिर से यहाँ पर ऐड आएगा, तो इस ऐड को आपको कट कर देना है। तो यहाँ पे मैंने इस ऐड को कट कर दिया, आप गैलरी में आपकी ये जो फ़ोटो है वो सेव हो जाएगी। अब यहाँ पे बैक चलते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों बैक जाएंगे, तो बैक जाने के बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे फिर से ऐड आएगा। दोस्तों ऐसी एप्लीकेशंस में एड्स वगैरह आते रहते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, अब यहाँ पर आप देखेंगे
तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको कट करके दोबारा से ओपन करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको दोबारा से ओपन कर लेता हूँ। और दोस्तों अब आप ट्राई कर सकते हैं वीडियो के लिए भी, ठीक है, शायद आपका काम बन जाए। फ़ोटो के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि आपका काम हो जाएगा, आपको उसमें फ़ोटो मिल जाएगी अगर आपने कभी भी डाउनलोड की होगी व्हाट्सएप से और वो नहीं दिख रही होगी अब व्हाट्सएप पर। तो अब आपको वीडियो रिकवरी पर जाना है, स्टार्ट टू स्कैनिंग कर देना है और यहाँ से वीडियो रिकवर भी कर लेना है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर फुल नहीं बताऊँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है वैसे ही। तो अब यहाँ पे आपको इसी तरीके से वीडियो को भी कर लेना है, अगर आपकी वीडियो मिल जाती है तो ठीक है, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ़ोटो के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप व्हाट्सएप की इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। अब दोस्तों ये फ़ोटो आपके डिवाइस में नहीं रहती है तो आपको उसे रिकवर ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी न्यू लेटेस्ट वीडियो के साथ।